IVTV देखता है इंडिया। इसका जवाब आगे आने वाले जो भी स्थितियों में चलता है। लालटेन जलाया गया है। बंदी का असर जो है वो जिले में देखने को मिला। आज जिस तरीके से कि किसान आंदोलन को लेकर तमाम जो अलग अलग घटक दल के नेता हैं, उन्होंने जाम का प्रदर्शन किया है। और ये प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जहां आम लोगों को भी अब परेशानी होने लगी है। लगातार जो है RJD के झंडे तले या मजदूर किसान संयुक्त मोर्चा हो, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हो, तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं उनका बोर्ड आपको यहां दिख जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की तस्वीर। लेकिन एक जो अलग सी तस्वीर है, आप देखेंगे किस तरीके से लोग लगातार जो है वो झंडे को अपना ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जो है वो लालटेन को जला दिया गया है। जी हाँ, मुख्य कारगिल चौक पर जो एक ये दृश्य बन रहा है कि अलग अंदाज जो है वो यहाँ पर RJD द्वारा जो अलग अंदाज यहाँ पर पेश किया गया है। लगातार यहाँ पर भाषण दिया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव किसानों को लड़ रहे थे, गरीबों के लिए लड़ रहे थे, मजदूरों को लड़ रहे थे, और उन्हें यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर बयानबाजी अब चल रही है। हालांकि सड़कों को जिस तरीके से जाम कर दिया गया है, अब उम्मीद जिस तरीके से लग रहा है कि बताया जा रहा है कि करीबन 12 बजे से पहले ही जाम को अभी नहीं खोला जाता। आप देखिए कि कारगिल चौक पर लालटेन जला दिया गया है, चारों ओर से बैरिकेडिंग बंद कर दी गई है, साइकिलों या हाथों में बड़े बड़े झंडे आपको तमाम पार्टियों के दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ आम लोगों को परेशानी जो हो रही है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप जिस तरीके से कि यहाँ अभी जो है वो जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम पार्टियों के या तमाम नेता जो है यहाँ पर जिले स्तर के, उन्होंने इस जाम को असरदार बनाने के लिए ये किया है। और उस असरदार के लिए ये तस्वीरें यहाँ से आ रही है कि तमाम जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे JMM हो, चाहे कम्युनिस्ट हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, जो भी विपक्ष में रहती है उसने यहाँ समर्थन दिया है। और उसी समर्थन के कारण आज ये यहाँ पर जाम की तस्वीरें, कारगिल चौक, मुख्य कारगिल चौक पर जाम है। चारों तरफ से लोग सिर्फ ये देखने के लिए हताश हो चुके हैं अब, क्योंकि सुबह से करीबन 6 बजे से ही जाम लगा दिया गया था, तो उसके बाद से अब तक सड़क को नहीं खोला गया, किसी ओर से नहीं खोला गया है। चारों ओर से हम आपको दिखाएंगे कि किस ओर से तमाम ट्रकों को यहाँ पर लगा दिया गया है सड़क जाम करने के लिए, व्यापक असर करने के लिए इसे यहाँ पर जाम लगा के लिए इस ट्रक को यहाँ खड़ा किया गया है। सिर्फ एक ओर से ये लगातार जो है यहाँ पर सबसे एक अलग सा जो दृश्य यहाँ पर सामने आया है कि कारगिल चौक पर लालटेन जला दिया गया है। लालटेन इस वजह से जला दिया गया है क्योंकि RJD के जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर अभी बयानबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े झंडे लोगों के हाथों में है, अलग अलग पार्टियों के झंडे आपको दिख जाएंगे, तमाम पार्टियों के झंडे आपको दिख जाएंगे, सिवाय BJP और उनके साथ जो सरकार में पार्टी है उन्हें छोड़ना चाहिए। लगातार मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वो तमाम चीजें दिखाई जाए। जिस तरीके से कि जाम का असर हुआ है सुबह से ही, स्कूल के समय से ही, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसी वक्त से इस जाम के असर को यहाँ देखा गया था। और उसके बाद से लगातार अब तक, अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं कांग्रेस के हो चाहे RJD के लोग हैं, उनसे बातचीत कि आखिर मांगे क्या है। मांगे जिस तरीके से कि कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर कोई बातचीत करे तब तो। लेकिन लगातार जो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत हो या जिनके भी संरक्षण में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, उनके ओर से कहा जा रहा है कि बात करने के लिए जो आए तो वो मोदी बात करने के लिए नहीं आए, भारत सरकार बात करने के लिए आए। उनका साफ कहना है कि मोदी के कहने पर जो तमाम चीज़ें की जा रही है वो नहीं की जाए, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास नहीं किया जाए। हालांकि हम आंदोलन के लिए नहीं हैं, हम अगर बेहतर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत कीजिए, क्योंकि बातचीत से ही बात बनेगी, आंदोलन से बात नहीं बनेगी। लेकिन लगातार जो है बातचीत नहीं हो पा रही है, या हम ये कहें कि जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसी वजह से आपको ये जाम की स्थिति आई समय देखने को मिल जाती है। कल इस जाम को समय आप देखिए कि यहाँ पुलिस बल की भी टीम पहुँच चुकी है। कल हम आपको बताएं कि कल जो है इस जाम को असरदार बनाने के लिए गोड्डा में आपको इरफान अंसारी दिखे थे, इरफान अंसारी गोड्डा में आपको बयानबाजी करते दिखे थे। आप देखिए कि इस ओर से जो जाम लगाया गया है वो तस्वीरें किस तरीके से लोग जो है वो धूप में अब खड़े हैं,
कि इस जाम को यहां से क्लियर किया जाए, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही है कि इस जाम को क्लियर कराया जाएगा। अब देखिए पुलिस प्रशासन की टीम उन्हें बता रही है कि कोई बात नहीं है, यहां से जाम है, लेकिन आप बाईपास की ओर से निकल जाइए, वहां से आपको सहायता मिल सकती है। तो आप यहां से बाईपास चले जाइए और वहां से निकल जाइए, क्योंकि आम लोगों की परेशानी जो है वो पुलिस प्रशासन समझ रही है। और आप देखिए जितने लोग यहाँ खड़े थे उन्हें पीछे की ओर भेज दिया गया, हालांकि ट्रकों को नहीं भेजा गया है, लेकिन आम लोग जो मोटरसाइकिल से आए हैं, जो लंबे समय से खड़े थे, वो यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है कि आप दूसरे रास्ते से यहाँ से निकल जाइए। हम बातचीत कराएंगे आपको यहाँ जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों से भी, बड़े बड़े झंडों के साथ कुछ महिलाएं भी आपको यहाँ दिख जाएगी, जो पीछे की ओर समर्थन में कुछ महिलाएं भी हैं। लेकिन देखिए आपकी इस जाम को असरदार बनाने के लिए चारों ओर से जो है वो बंदी कर दी गई है। आप देखिए कि जितने भी बड़ी गाड़ियां हैं उसे निकलने का तो यहाँ जगह नहीं है, तो वो निकल नहीं पाएगी, लेकिन छोटी गाड़ियां जो है वो बाईपास के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो या मजदूर हो, वो साइड से निकल जाएंगे। लेकिन बड़ी गाड़ियां जो लगी हैं उसे यहां से निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि मुख्य कारगिल चौक है ये, और कितने बजे तक चलेगा ये, कितना असरदार होगा ये, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कितना असरदार इसे करना है, मांगे क्या है, क्या सब कुछ क्लियर है इनके मन में या नहीं है, वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जो ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन चल रहा है ये असरदार जरूर साबित होता है, क्योंकि आज सोमवार का दिन था और कल इतवार था, तो इतवार के बाद आज सोमवार लोगों को उम्मीद ये थी कि यहाँ अब कुछ दुकानें खुलेगी, क्योंकि कल संडे था और आज जो है बाजारें खुलने की उम्मीद थी, लेकिन आज वो हो नहीं पाया, क्योंकि सुबह से ही ये किसान आंदोलन को लेकर सड़कें जाम हो गई। और इस जाम होने की वजह से यहाँ कुछ लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी आपको बताएंगे कि वो यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांगे हैं, कब तक चलेंगी, क्योंकि अब तक जो है वो असर ज़रूर कर गया है। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं कि कब तक ये जाम चलता रहेगा, ये बताइए। आपने देखा होगा 10 महीने से लगभग पूरे देश में इस मोदी सरकार से किसान, बेरोजगार, गरीब, मजदूर सब तबाह है, सभी मूल्यों का दाम और प्रत्याशित वृद्धि हो गया है, किसान का धान का कीमत बहुत कम है, किसान को 3 काला कानून लागू करके किसान को मरमाहत पैदा कर दिया है, इस देश के किसान अपने आप में बेनकाब महसूस कर रहे हैं। जब तक ही काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, तो विपक्षी गठबंधन के द्वारा यह कार्यक्रम जारी रहेगा। किसान के हित में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, गठबंधन, यूपीए गठबंधन सब मिलके लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि 2013 में जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी केंद्र में, तो इस देश के किसान का 78,100 करोड़ रुपया ऋण माफ करके किसान के दिल में हरियाली का लाने का काम किया था, उसका नाम था गठबंधन सरकार। आज आपने देखा होगा कि झारखंड की गठबंधन सरकार ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, आदरणीय कांग्रेस और आरजेडी वाम दल के नेतृत्व में इस राज्य के किसान का 50,000 रुपया ऋण माफ करके किसान के दिल में हरियाली लाने का काम किया, वह गठबंधन सरकार में किया है। 20 साल भाजपा की सरकार रही झारखंड में, सिवा लूटने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया है। एक मुश्त नरेंद्र मोदी जी, रघुवर दास जी किसान को सिरिंज लगा के खून निकाल के लूटने का काम किया है। इससे देश का भला कभी इस सरकार से नहीं हो सकता है, किसान का भला कभी इस सरकार से नहीं हो सकता है, नौजवान मजदूर का भला नहीं हो सकता है, यूपीए गठबंधन की सरकार से ही इस देश के किसानों का चेहरा हरियाली आ सकता है, तब एक किसान खुशहाल रहेगा, उसको समय पर खाद, बीज और सारा चीज उपलब्ध होगा। कल देर रात कृषि मंत्री ने ANI से बातचीत करते हुए कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान नेता हमसे बातचीत करने के लिए आए, तो बातचीत को छोड़कर ये प्रदर्शन आखिर क्यों? आपने देखा होगा कई बार गुड़बक बना के बुलाया और बात भी किया, लेकिन किसान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वो दिखावा है, बुला के वो दिखावा देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम किसान से बात करना चाहते हैं। 3-4 बार तो बात की, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप
कुछ सुनने के लिए ही नहीं तैयार है। अडानी और अडवाणी के झोली में आप बिके हुए हैं। समुचा इस देश के ट्रेन, हवाई जहाज, रेलवे सब चीज तो बेच रहे हैं आप। सबका आप अडानी अंबानी के झोला में है, तब किसान का क्या सुनिए? सुनने के लिए किसान का तैयार नहीं है और किसान के लायक अब सरकार भी नहीं। एक सवाल होगा, तीखा होगा, गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि सुबह से इस चौक पर जो है मजदूरों के शायद काम नहीं मिला होगा, तो उस मजदूर का पेट आज कैसे चलेगा? देखिए, आज ये लड़ाई और ये बंदी उस मजदूर गोली भी चलवाया गया खट्टर सरकार के द्वारा। और आप भी आप पूछ रहे थे कि भाई कृषि मंत्री बात करने के लिए आमंत्रित किए, लगातार 3 बार उन्हें आया गया, लेकिन वो तो पहले कर चुका है कि हम इसको, तो जब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वहां जाने से भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, किसानों को जाने से भी कोई फायदा नहीं है। जहां तक बात रही ये तीनों कृषि कानून काला कैसे है, आज शेबुन ईसी का जो मामला है वो समाप्त हो गया स्टॉकिस्ट का, कि आप जितना स्टॉकिस्ट कर सकते हैं आप कीजिए, तो वो स्टॉक कौन रखेगा? वो स्टॉक रखेगा अवानी, अंडानी, अडानी और बड़े बड़े गोदाम बना करके जो रखा है वो परचेजिंग करेंगे और वो परचेज कर महंगी कीमतों में बेचेंगे। आज जो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो का अनाज किसानों को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, वो भी आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। क्योंकि इसलिए बंद हो जाएगा, जब ये कानून सर्वाइज कर जाएगा तो ऑटोमेटिक व्यवसायी, छोटे छोटे व्यवसायी भी इससे प्रभावित है। पहले तो GST, नोटबंदी, ये सब लग, जब से ये सरकार आई है नरेंद्र मोदी की, तब से गरीब गुरुओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, छोटे व्यवसायियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज इसकी लड़ाई चरम सीमा पर है। निश्चित रूप से जब सोने की लंका जल सकती है तो नरेंद्र मोदी का ये दिल्ली जो बैठे हुए है उसकी सरकार उखाड़ के हम किसान मजदूर फेंकेंगे। निश्चित रूप से 2024 में UPA गठबंधन की सरकार बनेगी और गरीब गुरुओं के मुख पर और दिल में हरियाली आएगी। आपने सुना होगा अमित शाह का बयान, अमित शाह ने एक बार कहा कि हमने तो कभी नहीं कहा है कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, हमने तो ये कहा है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों का जो कर्ज होगा, अगर यदि वो NPA खाता में चला गया उसका कर्ज हम माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा हम माफ नहीं कर सकते हैं। और हमने कभी कहा भी नहीं है कि किसानों का कर्जा माफ कर सकते, तो ये साबित हो जाता है कि ये किसान मजदूर का सरकार नहीं है, गरीब गुरुओं की सरकार नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, सारे किसानों ने संकल्प लिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। आज ये बंदी कब तक चलेगी? घर में जो लोग बैठे हैं वो कितने बजे बाहर निकले? बंदी 4 बजे नहीं, हम पूरे दिन बैठेंगे, 4 बजे के बाद मतलब कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं जी। 4 बजे तक ये बंदी का असर यहाँ मिलेगा जो भी